हाँ तो भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं। स्नो बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है इधर। आज सुबह सुबह बिना वेदर देखे घर से निकल गए, तो ऐसे छुपकर भालू वाले स्टाइल में निकलना पड़ रहा है, क्योंकि स्नो के साथ हवा भी है, और जो कि सही से ना हाथ या मुंह जो बाहर निकला वो सुन हो रहा है। फिलहाल तो हाथ सुन हो रहा है, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बाहर निकाला है ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। आज अभी अभी शुरू हुई है स्नो, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा। अगर वीडियो में आपको हल्का फुल्का दिख रहा हो कि स्नो, क्योंकि आ रही है हवा के साथ, और ये देखें सफ़ेद होना शुरू हो गए, गार्डन ग्रीन से सफ़ेद होना शुरू हो गए। ऐसा ही है भाई, देख लें। अगर ये इसी तरह चलती रही तो पूरा रात तक सब कुछ सफ़ेद हो जाना है, और तैयारी से हम निकले नहीं आज। आपका भाई तैयारी से तो निकला नहीं है, ऐसे ही निकल गया। देखेंगे अभी क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। रोज़मर्रा की तरह बस जैकेट ले ली अपनी, वरना यहाँ लोग जब बर्फ़बारी होती है, हवा चल रही होती है, लोग यहाँ से बड़े तरीके से आते हैं, थर्मल वर्मल पहनते हैं अंदर, फिर जैकेट और ये सारा कुछ तैयारी से, ग्लव्स व्लव्स, हम ग्लव्स भी लाना भूल गए। ये देखें हाल कुछ ऐसा है, बर्फ़बारी जो हो रही है। बस वही, बाकी फर्दर वीडियो बनाता हूँ कि डेली व्लॉगिंग मैंने शुरू करी है। आज फर्स्ट डे है मेरा डेली व्लॉगिंग का। तो बस डेली व्लॉगिंग में यही है कि अभी घर से निकला हूँ, देखते हैं जाते हैं, एक दोस्त से मिलना है तो निकले घर से, और वेदर देखा नहीं तो बस आपके सामने। अभी ट्रेन में बैठना है, ट्रेन से जाना है। यहाँ गाड़ी वाड़ी तो है नहीं पाकिस्तान की तरह हमारे पास अभी तक, क्योंकि लाइसेंस नहीं बनाया है। लाइसेंस बनाना है, गाड़ी लेनी है, ताकि थोड़ी आसानी हो जाए ज़िंदगी में। साथ रहें, दिखाता हूँ आगे। सर भाई पहला याद आ गया, हम अपने स्टेशन पहुँच गए जो घर से नज़दीक है, जहाँ से हम हर जगह जाते हैं। भाई ने बेड भी बनाई है, अभी बनानी है, और हवा बहुत ज़्यादा है, पर देख ही रही होगी आपको, हाथ पैर सुन हो गए। दिखाते हैं मौसम बाहर का। ये देखें भाई गाड़ियों की छत देखें, आहिस्ते सफ़ेद होना शुरू हो गई हैं। रात तक कंटिन्यू रही तो फिर पूरी पूरी गाड़ियाँ सफ़ेद हो जाएंगी, रोड सफ़ेद हो जाने, पेड़, हर चीज़। बहुत बुरा हाल है भाई, सबसे ज़्यादा हालत ख़राब करने वाला मौसम है वो। अंदर बैठते हैं तो मैं वीडियो बनाने बाहर आया हूँ, वरना अंदर ही बैठता है, क्योंकि इतनी ठंड में बाहर कौन खड़ा होता है। अभी ये है कि हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, 8:02 पर ट्रेन, देखते हैं आएगी तो फिर जाएंगे। आपका भाई बैठ गया है भाई ट्रेन के अंदर, बाहर थी बहुत ज़्यादा सर्दी। ये है कि संडे को जाएंगे बेड बनवाने, बहुत तो ये है कि पिछले वीक भी नहीं बनवाई, हाल बहुत बुरा हुआ है, ठंड ज़्यादा थी, जाना मुश्किल हो रहा था, जा नहीं पाए। अभी देखें ये ट्रेन है जिसमें हम जाते हैं, अभी तो खैर बाहर की नज़र ही नहीं आ रहा, वो बर्फ़बारी की वजह से सारा सुन हुआ है। ये देखें यहाँ ट्रेन के शुशके हैं भाई, पैसे लेते हैं और फिर चीज़ भी डिलीवर करते हैं, अपनी थोड़ी है। भाई बैग मिल गया है फाइनली, अभी अभी बैग मिला है। ये है कि भूल गया था लेने आया हूँ, दोबारा पॉस्ट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह बैग में मिल गया, बैग में सामान भी सारा रखा हुआ है। अब ये है कि दोबारा ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ बैठ के, अब ये है कि ट्रेन आती है तो फिर वापस जाएंगे जिधर जा रहे थे। और अफसोस है कि टाइम ज़ाया हो गया काफ़ी सारा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है कि बैग भी मिल गया। बैग ना मिलता तो टेंशन हो जाती, बैग में काफ़ी सामान था, भाई के पैसे थे, भाई का पासपोर्ट था, जो अभी जो है पासपोर्ट वगैरह रखेंगे घर पे, ताकि पैसे चले आए, गम नहीं है, पासपोर्ट चले गया तो भाई वापस कैसे आएगा, ठीक है ना। तो जाते हैं आगे, आगे का बताता हूँ। ट्रेन आ गई है भाइयों, भाई की ट्रेन आ गई है, भाई जाने में अभी ट्रेन में बैठेगा, जाएगा आपको दिखाएगा। तो भाई पहुँच गया भाई यहाँ पे,
इन, और ये टिकट देने का टाइम आ गया है। ये टिकट वाले भाई साहब आ गए हैं साथ में, एक मिनट होल्ड कर। हाउ आर यू? गुड, आई एम ग्लैड। ये टिकट होता है भाई, टिकट दे दिया उसको, ले गया भाई वो टिकट अपने पास से। डेली जो लोग आते जाते हैं यहाँ पे, वो महीने का वो खरीद के रखते हैं यहाँ पे पैकेज पूरा, वो सस्ता पड़ता है लोग। लेकिन हम जैसे लोग जो कभी कभार वाले हैं, वो तो बस कभी कभार ही लेते हैं टिकट, जो कि अप्रॉक्स $3.25 का पड़ता है। इट्स ओके, कभी कभार चलता है। और बाहर से व्यू दिखाता हूँ कैसा है। सूरत घर बने में व्यू भी अच्छा आता है, और ड्रेन वेन भी बड़ी अच्छी बनाई है इन लोगों ने। देखें बहुत तरफ बैठ के घर में ना, हमने सही से वीडियो बना नहीं पाए। मैंने कहा अभी बैग मिल गया है, अभी वापसी जा रहे हैं, सुकून है, दिल को आराम है, तो बाहर की वीडियो वगैरह भी दिखाऊंगा। यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने मुल्क गंदा गंदा, यहाँ पर गंदगी यहाँ पर भी भरपूर है। जहाँ जो है ना ज़्यादातर काले शादे रहते हैं ना, वहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम है। जहाँ अपने देसी रहते हैं वहाँ पर भी गंदगी बहुत है। जहाँ गोरे रहते हैं गोरों के, ये गोरों के इलाके, यहाँ बड़ी साफ सफाई है। यहाँ की सुबह एक बात है, पाकिस्तान से निकल के हर जगह की सब कुछ अच्छा लगता है। यहाँ की सुबह भी कितनी प्यारी हो रही है ना, मज़ेदार सी सुबह हो रही है। फिर देखेंगे क्या प्यारा और खूबसूरत मौसम हो रहा है, हसीन एकदम। हाँ भाई, एक दोस्त से की मुलाकात आज ना, बस अब ये है कि घर जाने का टाइम हमने देखा, हमने कहा घर जा रहे हैं अब, तो हम निकल गए वहाँ से। सर्दी आज सुबह जो बर्फ़बारी के बाद से टेम्परेचर तेज़ ही है। ये कि बर्फ़बारी हुई उसके बाद फिर धूप निकल गई, उसके बाद ये कि अभी टेम्परेचर तेज़ है, लेकिन ये कि चल रहा है, ठंडक है। आज सुन हो रहा है, हवा भी देख रहे हैं, हवा चल रही है ना, लेकिन ये कि सेट है फिर भी ना। और पता भी घर जा रहे हैं, टाइम हो गया घर जाने का, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, घर जाए तो घर पहुँचते हैं, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, ट्रेन आ गई है, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, अब हम जाएंगे घर, क्योंकि ठंड है बाहर बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं आप ट्रेन आने से पहले कितनी रेड कलर की लाइट्स ऑन कर देते हैं ये लोग, सामने नज़र ही आ रही होंगे हल्की हल्की। और ये कि शोर भी फुल, घंटियाँ बजना शुरू होती हैं ताकि कोई बीच में ना आके खड़ा हो जाए पागल, क्योंकि यहाँ पर ना हमारे मुल्क से ज़्यादा पागल घूमते हैं। क्या वजह ये नहीं पता, लेकिन हमारे मुल्क से ज़्यादा पागल यहाँ मौजूद है। देख रहे हैं, आ जाओ, अनाउंसमेंट भी हो रही है कि भाई पैन स्टेशन की आ गई है, हमने भी जाना है। भाई ये बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, वीडियो बनाने के चक्कर में ना हाथ कर लिया, हो गया था सुन हमारा, और ठंड भी लग रही थी। ऊपर हमने ये अपना आलू वाला ये भी रोटी डालना भूल गए थे। खैर अभी अंदर बैठे, अब ये कि अपना स्टेशन भी आने वाला है, घर जाते हैं।